अब एक नई सुबह है और नई बातें। सब वापस जाने की तैयारी में हैं अपने अपने काम के लिए। सर, ये लगेज गाड़ी में रख दूं? श्योर, थैंक यू। संभाल के लेकर जाइए। ओके मैम। इसका नाम मुझे खाने के बिल्स पेंडिंग होंगे, हमने रूम सर्विस ऑर्डर किया था। डोंट वरी मैम, आपके सारे बिल प्रोडक्शन हाउस पे करेंगे, आप बस इस पे साइन कर दीजिए। रूम नंबर 102 तो लॉक्ड है, शायद मैम अभी भी अंदर ही हैं। चेकआउट का टाइम तो हो गया है, मैंने दो बार नॉक भी किया पर मैम ने दरवाजा नहीं खोला। और जहाँ अर्शी अनी की ओर देखती है, अनी कोई रिएक्शन नहीं देता। पर रूम नंबर 102 झनक रहना, उन्हें एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैं उन्हें पिक करने आया हूँ। श्योर श्योर। सर, वो दरवाजा नहीं खोल रही है और फोन भी नहीं उठा रही है। की लेकर जाओ। इट्स ओके, हो सकता है शायद वो वॉशरूम में हो। सर, अगर वो वॉशरूम में होती तो अब तक वो बाहर आ जाती। आधा घंटा हो गया है सर, बेलबॉय ने भी दो बार नॉक किया बट वो दरवाजा नहीं खोल रही है। सर, सारे पार्टिसिपेट के लिए सर 10 बजे तक का ही चेकआउट है, हो सकता है सर वो सो रही हो। ओके, तो आप लोग आज जाने वाले? हमेशा के लिए थोड़ी ना आए, चले जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब था कि कहीं एक दो दिन शायद आप लोग रुकने वाले हो। क्यों, शादी तुम्हारी। और अब आदित्य देखता है अनी का रूखापन। क्या वो हर वक्त ऐसा ही रहता है या वजह कुछ और भी है? आदित्य, हम बिजी लोग हैं, हमारे पास और भी काम है। वैसे छनक को तुम अपने घर लेकर जा रहे हो? अगर वो चलना चाहेगी तो मोस्ट वेलकम, आई डोंट माइंड। इनफैक्ट मेरी तो किस्मत खुल जाएगी कि उसके कदम मेरे घर तक पड़ेंगे। और हो ना हो, अब आदित्य अनी को ही जख्म पहुंचा रहा है, जानबूझकर उसे जला रहा है। और अर्शी देखती है ये सुपरस्टार को, कितना एटीट्यूड है इसमें। एक्चुअली आई डोंट नो कि वो क्या चाहती है, देखते हैं। क्यों अभी तक इस बारे में तुम दोनों की बात नहीं हुई? फैसला झनक का है ना मिस्टर बोस, वो क्या चाहती है वो तो मालूम नहीं। वैसे एक एक्स्ट्रा घर है मेरे पास मुंबई में, अगर वो चाहे तो उस घर में रह सकती है। और अब अनी के लिए सर से ऊपर जा रहा है पानी। अब झनक के बारे में इस आदमी के मुंह से और कुछ नहीं सुनना चाहता। आदित्य से लिटरली नफरत हो गई है अब उसे, पर आदित्य को आ रहा है मजा उसे जलाकर। And you know, मुंबई में ना हीरो बनना घर ढूंढने से ज्यादा आसान है। हाँ, ये तो तुम ही बेटर जानते होगे। खैर, उसे इतना अच्छा दोस्त मिला है, उसे तो घर ढूंढने में मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। You're right। दोस्ती निभानी पड़ती है ना मिस्टर बोस, सिर्फ कह देने भर से दोस्त थोड़ी ना बन जाते हैं कोई। वैसे दोस्ती का तमाशा क्यों, जब रिश्ता इतना गहरा ही है तो शादी करके खत्म कर लो। और जैसा अनी सोच रहा है वैसा अगर होता तो आदित्य इतना सब कुछ थोड़ी सहने वाला था, वो तो एक झटके में ही झनक को अपना बना लेता। कोई उसे रोक ही नहीं पाता, अनी भी नहीं। पर अब अचानक, क्या 102 नंबर की गेस्ट बेहोश है? मतलब कैसे? रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। What? 102 नंबर मतलब झनक बेहोश है? Yes sir। वो बेहोश कैसे हो सकती है? यहाँ तक तो बात हुई थी उससे। मैं देख कर आता हूँ। अनी, रे, अनिरुद्ध तुम कहाँ जा रहे हो? आपने सुना ना आंटी, झनक बेहोश है, मैं अभी आता हूँ। अनी, हमें एयरपोर्ट जाना है, आदित्य है झनक का ख्याल रखने के लिए, तुम्हारी क्या जरूरत है? अर्शी, फ्लाइट मिस नहीं होगी, आई प्रॉमिस। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंचिए, मैं आता हूँ। अनी, हाथ धो गए अनिरुद्ध। और अब जहाँ अर्शी और सृष्टि रोकने की कोशिश करते हैं, अनी तो हाथ से ही निकल जाता है। और अब कोई चारा नहीं। चलो देखते क्या नौटंकी है ये। नो वे मॉम, मैं नहीं आने वाली। अर्शी, तुम्हें समझा के ना मैं थक चुकी हूँ और नहीं समझा सकती। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अनिरुद्ध झनक के कमरे से खुद से नहीं आएगा, हमें जाकर उसे लेकर आना पड़ेगा। वो झनक कुछ नहीं हुआ होगा उसे, कल रात को थोड़ी ज्यादा शराब पी होगी और कुछ भी नहीं। बिगड़ी हुई तो वो थी ही, बची कुची कसर इस शहर में पूरी कर रही है। और सुनाना उस आदित्य ने क्या कहा, झनक
उसके फ्लैट में रह सकती है। जनक को जो करना है वो करे मॉम, शी कैन गो टू हेल, आई डोंट केयर। हमारा क्या लेना देना है? एग्जैक्टली, हमारा क्या लेना देना उसे? तो अनिरुद्ध वहां गया है, उसे वहां से लेकर आना पड़ेगा, चलो। और अब बड़े ही मशक्कत के बाद सृष्टि अर्शी को अपने साथ लेकर जाती है झनक के कमरे में अनी को लाने, पर वहां झनक कारपेट पर बेहोश पड़ी है और माथे पर एक कट है। आखिर कैसे लगी ये चोट? और अब बेल बॉय के साथ साथ आता है आदित्य। झनक, झनक, और पीछे पीछे अनी पहुंचता है और देखता है आदित्य की गोद में झनक को बेहोशी के आलम में। और अब जहां आदित्य अनी की ओर देखता है कि हो ना हो ये अनी के ही वजह से हुआ होगा, उसने दिल जो तोड़ा है झनक का, वहीं अब अनी के दिमाग में भी कई सवाल हैं आदित्य और झनक के रिश्ते को लेकर। आज उसकी झनक किसी और के गोद में है और देखते ही देखते अब अनी को सहन तो नहीं होती। उसकी झनक को हाथ कैसे लगाया आदित्य ने, पर क्या करे अब वो? अब दो दीवानों के बीच होती अनकही बातें, जहां अनी को बर्दाश्त नहीं हो रहा आदित्य का झनक के इतने करीब होना, कैसे जाए वो झनक के करीब आदित्य को हटाकर। झनक, सुनो झनक, उठो ना। झनक, झनक, एक्सक्यूज मी, इसका नाम लेने से ये होश में नहीं आ जाएगी। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन साइंस नाम की चीज सुनी है तुमने? पानी चाहिए मुझे, प्लीज। और आखिरकार अनी झनक के करीब पहुंच ही गया। उसे और कोई कैसे बर्दाश्त होगा अपनी झनक के पास? छूने का अधिकार किसने दिया किसी को भी अनी के सिवाय? और अब अर्शी और सृष्टि भी देखते हैं अनी की परवाह, पर उन्हें क्या पता कि इससे पहले आदित्य ही था झनक के बगल में। पर जो दिखता है वही सच होता है, तो बस अनी का भी सच यही है अब अर्शी की नजरों में। झनक, तुम ठीक तो हो ना? Are you okay?